दोस्तों फिर हम बात करेंगे क्विक स्वाप के क्विक क्वाइन के प्राइस मूवमेंट के बारे में। एंट्री लेवल्स और आने वाले दिनों में आपके लिए टारगेट्स क्या रहेंगे। करेंटली क्वाइन 0.0396 पर ट्रेड कर रहा है, एक अच्छे डाउन ट्रेंड, एक अच्छे डिप के अंदर वापस से हमें इस क्वाइन की प्राइस देखने को मिल रही है और वापस से एक बहुत अच्छी अपोस्ट इस क्वाइन के अंदर निकल के आ रही है। जो भी इस क्वाइन में एंट्री देख रहे हैं एक अच्छे लोवेस्ट एरिया पर एंट्री देख रहे हैं, और जिन लोगों ने प्रीवियसली एंट्री मिस की है और एक अच्छा खासा क्विक प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं उनके लिए बात करेंगे कौन सा आपके लिए बेस्ट एंट्री पॉइंट्स रहेंगे और आने वाले दिनों में आपके लिए टारगेट्स क्या रहेंगे। एज अ ट्रेडर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से आप किन एरियाज पर नजरें बनाए रख सकते हैं, ओवरऑल सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है और जो फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए हमने प्रीमियम सर्विस स्टार्ट की है ताकि वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्ट्रेटजी शेयर की जा सके। चैट एक्सेस रहेगा, सिग्नल शेयर किए जाएंगे, क्रिप्टो क्वेरीज रिजॉल्व की जाएगी और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जो भी अपने क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो लॉसेस से बचना चाहते हैं, वो इंस्टा पर DM करके ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। करेंटली कॉइन 0.0396 पर ट्रेड कर रहा है। अभी रिसेंटली 3 दिन पहले इस क्वाइन में एक अच्छा खासा 40% से ज़्यादा का ब्रेकआउट देखने को मिला था, जहां पर इस क्वाइन ने 0.053 वाला लेवल ट्राई किया था। इसी लेवल से देखने को मिला था, ये 1 आवर के चार्ट में अगर आप देखें तो 0.0385 के अराउंड पर ये क्वाइन स्टेबल था। वहाँ से हमने BTC में थोड़ा सा मूवमेंट देखा, जहाँ पर BTC ने 28,000 वाला लेवल ट्राई किया और उसी के साथ इस क्वाइन ने भी मूव किया और 0.053 वाले लेवल तक प्राइस गई, फिर वहाँ हिट किया, फिर वापस हमें BTC में डंप देखने को मिला और उसी को फॉलो करते हुए BTC को फॉलो करते हुए इसकी प्राइस में भी करेक्शन देखने को मिला, फिर वापस हमें प्राइस 0.03935 के राउंड में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर वापस से हमारे पास एक अच्छी अपोस्टी निकल के आ रही है, क्योंकि उस टाइम पर भी हमने ऑलमोस्ट 20 डे को इस क्वाइन में एंट्री शेयर की थी आपको 0.044 के अराउंड में, और वहाँ से हमने एक अच्छा खासा 20% का प्रॉफिट जनरेट किया। और इससे पहले भी जब जब इस क्वाइन में अपोस्टी रही है, भले चाहे वो रीडोमिनेशन प्लान से पहले की बात करें या फिर जब इस क्वाइन की लिस्टिंग हुई थी वापस से डीलिस्ट हुआ था, उसके बाद वापस रिलिस्ट हुआ था, तो डीलिस्ट होने से पहले भी इस क्वाइन में एक अच्छा ब्रेकआउट था जब ये क्वाइन 60-70 USD के अराउंड में ट्रेड करता था, क्योंकि रीडोमिनेशन हुआ तो इसको 1 टोकन के बदले में 1,000 टोकन आपको प्रोवाइड किए गए थे। तो उस टाइम पर हमने इस क्वाइन में अच्छे खासे लेवल पर एंट्री लेकर के और अच्छा खासा प्रॉफिट हमने 11th ऑफ जुलाई के राउंड में, यानी कि पिछले अगस्त के पहले वाले मंथ में हमने प्रॉफिट जनरेट किया। 72, 74, 76 USD वाले लेवल्स को ग्रेप किया था और प्रॉफिट जनरेट किया था। जो भी हमारे चैनल को फॉलो करते हैं पिछले 3-4 महीने 6 महीने से, उनको पता है रेगुलर हम किस टाइप से आपको लेवल शेयर करते हैं, एंट्री लेवल शेयर करते हैं, साथ के साथ टारगेट भी शेयर करते हैं। अभी अगर बात करें तो आज भी कुछ कॉइन्स में ब्रेकआउट हुआ और उन कॉइन्स में हमने अभी आपको टारगेट बताए थे और वीडियो शेयर किया, टारगेट बताए और हमने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया, आपके टारगेट हिट हुए। भले चाहे वो साइबर कॉइन की बात करें, NMR कॉइन में ब्रेकआउट हुआ, उनमें हमने प्रॉफिट जनरेट किया। अब बात करें उनमें बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आ रही है, मैं आपको पहले भी बताया है, हर बार बताता हूँ और वापस बता रहा हूँ कि जब भी किसी कॉइन में ब्रेकआउट होता है, एक अच्छा खासा पंप देखने को मिलता है, तो मैं आपको अपडेटेड केवर्स टारगेट शेयर करता हूँ। उसमें यह भी बताता हूँ कि इस बढ़ते कॉइन में एंट्री नहीं लेनी है। बहुत सारे लोग एंट्री ले लेते हैं, उनके कमेंट्स आ रहे हैं, जबकि मना करता हूँ मैं। 200 USD, 500 USD का लॉस हो रहा है, तो ये लॉस आपको नहीं करना है, इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी है जिससे लॉस हो। और अगर आप ज़्यादा ही ट्रेड करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं, तो उस जो लॉस आप जो आपकी कैपिटल है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो आप लॉस मार्केट में ले रहे हो 400 USD, उसके मिनिमम 10% से आप हमारी प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत कम फी है, उस फी के साथ में आप ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पर रेगुलर आपको प्रॉफिटेबल सिग्नल शेयर किए जाएंगे। हर बार मैं आपको बताता हूँ, बिना नॉलेज, बिना एक्सपीरियंस का आपको किसी भी कॉइन में या फिर क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड नहीं करना है। अब यहाँ पर अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया की बात करें तो 0.040 वाला इस कॉइन के लिए सपोर्ट एरिया था, जिसको इसने अभी ब्रेक कर दिया है, उससे नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अगर 0.040 से ऊपर डेली क्लोजिंग होती है तो वो सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर उससे नीचे प्राइस रहती है या फिर उससे नीचे ही डेली क्लोजिंग देखने को मिलती है तो 0.03
फाइव वाला जो लेवल है वो एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है, जहाँ तक प्राइस नहीं गई है, लेकिन अगर जाती है तो वो इसको सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एंट्री की बात करें, 0.0396 पर ट्रेड कर रहा है, 396 पर आपको एंट्री लेनी है। ओवरऑल अगर कहें तो 0.040 से नीचे भी आपको अगर एंट्री मिलती है, यहाँ से अगर थोड़ा बहुत मूव कर जाता है, क्योंकि अभी 5% 6% का डंप इस कॉइन में देखने को मिल रहा है। यहाँ से अगर थोड़ा बहुत नीचे की तरफ मूव भी करता है या फिर थोड़ा बहुत मूवमेंट ऊपर की तरफ हो जाता है, 0.040 से नीचे नीचे अगर आपको ये कॉइन मिलता है, जब भी आप वीडियो वॉच करें, कल वीडियो वॉच करें, कुछ कुछ लोग 2 दिन बाद वीडियो वॉच करते हैं, तो तब तक ज़्यादा मूवमेंट BTC में देखने को नहीं मिलेगा। नॉर्मली अभी बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर वीकली क्लोजिंग भी देखने को मिल रही है, कल के दिन वीकली क्लोजिंग होगी, तो 1-2 दिन ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो 40 से नीचे नीचे आप एंट्री ले सकते हैं। एंट्री आपको 70% पार्ट से लेनी है, जो भी अमाउंट आप इस कॉइन में लगाना चाहते हैं उसके 70% पार्ट से। उसके बाद अगर थोड़ा बहुत करेक्शन होता है, प्राइस ड्रॉप होती है, तो आपको सेकंड एंट्री बाकी 30% पार्ट से लेनी है, जो रहेगी आपकी 0.036 वाले लेवल पर, 37 वाले लेवल पर। इस टाइप से 70-30 के रेशो में एंट्री लेनी है। टारगेट्स की अगर बात करें तो जो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से एंट्री लेंगे, यानी कि क्विक प्रॉफिट जनरेट करने के पर्सपेक्टिव से, उनके लिए फर्स्ट टारगेट रहेगा 0.047 वाला लेवल, जिसको ये कॉइन यहाँ से थोड़ा सा मूवमेंट, जैसे BTC में मूवमेंट हुआ था 28,000 को ट्राई किया, BTC यहाँ से थोड़ा सा मूव 27,000 को भी ट्राई कर लेगा, तो ये कॉइन 47 से लेके 50 को वापस ट्राई करता हुआ दिख जाएगा। तो 47 फर्स्ट टारगेट रहेगा, जहाँ पर आपको अपना 60% टोकन सेल करना है। सेकंड टारगेट रहेगा 0.050 वाला लेवल, जहाँ पर आपको बाकी 40% प्राइस टोकन सेल करने हैं। इसके अलावा जो शॉर्ट टर्म वाले हैं, जो मंथली बेसिस पर होल्ड करके 40-50% का प्रॉफिट टारगेट रखते हैं, 0.055 वाला लेवल टारगेट रहेगा। इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा 55 वाले टारगेट के लिए, क्योंकि सितंबर के एंड तक या फिर 20 सितंबर तक ये कॉइन उस लेवल को ट्राई करेगा। तो 55 शॉर्ट टर्म में है, यानी मंथली बेसिस पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट है, तो इतना तो वेट करना बनता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो भी आपको बहुत लोवेस्ट एरिया पर, अपने ऑल टाइम लो पर ही कॉइन ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर एंट्री आपको मिल रही है, और यहाँ आपको मिस नहीं करना है। बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको इस कॉइन के थ्रू लॉन्ग टर्म में भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो भी नए इन्वेस्टर ट्रेडर हैं और जो फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं, बार बार कहता हूँ, बिना नॉलेज एक्सपीरियंस के ट्रेड नहीं करना, अपनी कैपिटल को मार्केट में नहीं गंवाना है। और इसीलिए हमने प्रीमियम मेंबरशिप स्टार्ट की है। 2-3 महीने में थोड़ा बहुत अगर आप फी पे कर देंगे, जिसे हम पहले कोचिंग जाते थे या स्कूल वगैरह जाते थे, जो हम पहले उसकी फ़ी पे करते थे, तो उसका बेनिफिट होता था हमें। तो थोड़ी बहुत अगर फ़ी एक कोचिंग की तरह है, यहाँ पर आपको सिग्नल भी प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ में साथ आपको सीखने को मिलेगा। 2-3-4 महीने में बहुत सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे, जो आप 2 साल में खुद के एनालिसिस या फिर खुद के एक्सपीरियंस से सीखेंगे, वो चीज़ में यहाँ पर मेरे एक्सपीरियंस मेरे नॉलेज से 2-3-4 महीने में सीख जाएंगे। तो उससे आप मार्केट के अंदर अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट करेंगे और अपनी कैपिटल को भी बचा कर 2x 3x 4x करते जाएंगे। तो जो भी इंटरेस्टेड है, वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्टडी शेयर की जाएगी, सिग्नल शेयर किए जाएंगे, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो इंस्टा पर DM करके ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बाकी यहाँ पर बाय और सेल खुद के रिस्क, खुद के रिसर्च के हिसाब से करें, यहाँ पर हम कोई फाइनेंस एडवाइस नहीं दे रहे, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है, ताकि आपको ओवरऑल कॉइन से रिलेटेड नॉलेज हो सके। वीडियो अच्छा लगा है लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।